अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान फरीहा हनीफ और मैं लाई हूँ मज़े के सवाल। मेरा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता। अगर आप हमारे सवाल का जवाब जानते हैं तो हमें जवाब ज़रूर दीजिए कॉमेंट के थ्रू। लेकिन अभी मैं जाऊँगी लोगों के पास और जानूंगी उनके जवाब। एक और सवाल मैं आपसे करूँगी कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता। सूर। हाँ वो भी है, इसके अलावा एक और है। गेंडा। नहीं, गेंडा भी है ना, गर्दन नहीं वो मोड़ सकता। लेकिन मैं नहीं। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता। पिग। हाँ पिग। पिग के अलावा भी एक और है। सोचो तो सही, जैसे पिग इतनी जल्दी से बता दिया, और भी सोचो कौन सा हो सकता। नहीं आता। अच्छा चलो पिग। हाँ पिग के अलावा आई थिंक सो डॉग। डॉग? नो, डॉग की गर्दन तो हर जगह होती है। पीछे साइड पे मतलब गर्दन मोड़ तो सकता है ना अपने। हाँ पिक के अलावा। हाँ आई थिंक सो, आई डोंट हैव एनी, मुझे भी याद नहीं आ रहा कोई ऐसा। कोई तुक्के मारो, कोई भी जानवर का नाम ले लो, क्या पता उन्हीं में से कोई जानवर निकला है। इसे क्या हो सकता है, एक बार जू होके आना चाहिए फिर। बचपन में जू नहीं गए? गए थे लेकिन इतने सारे कोई जानवर देखा ही नहीं। अब जू में एक बचा ही गया। ऑस्ट्रिच में भी नहीं? ऑस्ट्रिच नहीं। I think so. Elephant? Elephant? नहीं, elephant. अगर बचपन में गौर से अम्मी अब्बू की बातें सुनी होती ना जू जाते हुए तो आज आपको याद होता। ये सूर ही है। हाँ, ये पीछे नहीं मोड़ सकता। पर मेरे पास भी एक जवाब लिखा हुआ ना, वो नहीं आपने बोला। हाँ ये भी मैं, हाँ ये, हाँ बस यही तो बात है। चले आपका वाला जवाब भी मैं कंसिडर कर रही हूँ। इसके अलावा और कौन कौन से जानवर होते हैं जो गर्दन नहीं मोड़ सकता? जो गर्दन नहीं मोड़ सकता, क्या हो सकता है? चुंटी। चुंटी वो तो कहीं भी गर्दन मोड़ सकती है, उस बेचारी की गर्दन नहीं इतनी सी होती है। पीछे तो भी मोड़ सकती होगी। अब चुंटी की गर्दन इतनी सी होती है, अब हमें क्या पता। मोड़ सकता है वही है जो बताया। चले हम आपके वही जवाब कंसिडर कर लेते, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मेंढक भी नहीं मोड़ सकता। हाँ मेंढक भी नहीं। और हमारे सवाल का जवाब है मेंढक।